हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 86। शाम के वक्त अग्रवाल मेंशन में वंशिका बार बार हॉल में चक्कर काटते हुए सबके आने की राह देख रही थी। वहीं उसे इस तरह घूमते देख दर्श बोला, ओए मोटू, ये लट्टू की तरह चक्कर लगाने बंद कर, तुझे देखकर मुझे ही चक्कर आने लगे हैं। वहीं वंशिका उसकी इस बात पर उसे घूरते हुए बोली, बकवास बंद कर तू अपनी, यहां मेरी टेंशन के मारे जान निकली जा रही है कि बात कैसे करूंगी और तुझे मजाक सूझ रहा है। और फिर मुंह बनाकर आगे बोली, पता नहीं क्या देखा मैंने तुझ में जो मैंने तुझसे शादी कर ली। ये कहते हुए उसके बगल में आकर बैठ गई और अपनी गोद में एक कुशन रख लिया। तो दर्श उसकी बात सुन उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए देखने लगा, फिर बोला, शादी छोड़ ये बता, जब क्रश हुआ था मुझ पर तब क्या दिखा था तुझे। ये कहते हुए उसके कंधे पर कोनी रख एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। वहीं उसकी बात सुन वंशिका का चेहरा सुर्ख हो उठा और लबों पर एक मुस्कुराहट अपनी जगह बनाने लगी, जिसे देख दर्श की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई और वो अपने दूसरे हाथ से वंशिका का चेहरा पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, बताना मोटू क्या दिखा था उस वक्त, मेरे कान सुनने को तरस रहे हैं, बता। और ये कहते हुए उसका चेहरा वंशिका के चेहरे के बहुत करीब था। दोनों एक दूसरे की सांसें बखूबी महसूस कर पा रहे थे। तभी वंशिका के दिमाग में ना जाने क्या आया, वो अपने लब उसके कानों के पास लाकर धीरे से बोली, पक्का बताऊं ना तुझे। जिस पर दर्श जो उसकी करीबी में मदहोश था वो उसी तरह बोला, हाँ बोलना। तो वंशिका ने उसकी आंखों पर अपना एक हाथ रख दिया जिससे वो कुछ देख नहीं पा रहा था और कानों के पास एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, उस वक्त ना मुझे तू एक जेन्युइन प्यारा हैंडसम क्यूट और चार्मिंग लड़का लगता था। और पता है ऐसा मुझे क्यों लगता था, पूछते हुए एक शरारती मुस्कुराहट के साथ दर्श को देखने लगी जो अभी भी आंखें बंद किए उसकी करीबी के एहसास में खोया था और उसी तरह बोला, क्यों। और ये कहते हुए वो उसी तरह खोए हुए ही वंशिका को देख रहा था। तो वंशिका ने अपना हाथ उसके आंखों से हटाया और खड़ी होकर कान के पास झुकते हुए मुस्कुराकर एक गहरी सांस लेकर जोर से चीखते हुए बोली, क्योंकि उस वक्त मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। और ये कहते हुए अगले ही पल वहां से भाग गई। वहीं दर्श अपने दोनों कानों को हाथ से ढक बैठा। वंशिका के वहां से भागने के बाद दर्श को समझ आया कि हुआ क्या है उसके साथ और वो अपनी उंगली से अपने कान को हिलाते हुए खड़ा होकर बोला, देख लूंगा मोटू, इसका बदला बराबर लिया जाएगा। और ये कहते कहते उसके लबों पर वंशिका की बातें याद कर फिर से मुस्कुराहट आने लगी। फिर वो अपने आप में बोला, तू ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो मुझे किस्मत ने दिया है और तू हमेशा ऐसी ही रहे यही दुआ रहेगी, क्योंकि तेरे बचपन ही तेरे प्रैंक्स और तुझसे लड़े बिना मेरा कोई दिन गुजर ही नहीं सकता। और ये कहते हुए उसी तरह मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस तरफ सिसोदिया भवन में वंश आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट कर रहा था कि तभी आईने में उसने देखा कि वॉशरूम से रिवा एक खूबसूरत सी हल्की ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहने बाहर आई। ये देख वो उसे वैसे ही देखने लगा जैसे कोई राही अपनी मंजिल को देख रहा हो। तभी अपनी साड़ी को ठीक करते हुए रिवा को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने सर उठाकर सामने देखा, जिस पर उसने पाया कि वंश आईने में खोया सा उसी का अक्स देख रहा है। ये देख उसके चेहरे पर सुर्खी अपनी जगह बना बैठी और उसकी नजरें खुद ब खुद हया से लबरेज होकर फिर झुक गई। फिर वो आईने के पास आकर वहां रखी अपनी ज्वेलरी पहनने लगी। अपने कानों में इयररिंग्स पहनते हुए उसने आईने से वंश को देखा जो अभी तक उसे देखे जा रहा था और अपनी आंखों से इशारा करके बोली, कैसी लग रही हूं मैं। जिसे सुन वंश ने उसके हाथ से दूसरा इयररिंग ले लिया और मुस्कुराकर उसे पहनाते हुए बोला, खूबसूरत तो तुम इतनी हो कि तुम्हें खूबसूरत कहने से खूबसूरत शब्द का भी एक मायने सा लगता है, और जो देखो खुद का अक्स तुम इस आईने में तो कसम परवरदिगारगी कि ये आईना भी आईने सा लगता है। और ये कहते कहते उसने उसे वो इयररिंग पहना दिया था, फिर धीरे से उसके गाल पर अपने लब रख दिए। उसके इस तरह कहने से रिवा शर्मा गई और अगले ही पल उसके सीने में अपना सर छुपाकर धीरे से बोली, बातें बनाना कोई आपसे सीखे, आपसे इन चीजों में कोई नहीं जीत सकता। जिसे सुन वंश उसका चेहरा ऊपर कर सरगोशी से बोला, किसी और को तो हम वैसे भी जीतने ना दें, पर अगर तुम जीतना चाहो तो बताना, तुम्हारे लिए तो सब हारने को तैयार है हम। जिसे सुन वो मुस्कुरा उठी और वापस उसके गले से लग गई। फिर कुछ वक्त बाद वो दोनों तैयार होकर नीचे आए और वहां कल्याणी जी उन्हें देखकर सोफे से खड़ी होते हुए बोली, शुक्र है तुम दोनों आए तो सही, वरना मुझे लगा था हमें डिनर पर आज नहीं कल जाना है।
जिसे सुन रिवा शर्माने लगी। वहीं वंश मुस्कुराकर अपनी दादी को देखते हुए बेशर्म की तरह बोला, हाँ तो चले जाते ना कल, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे थोड़ा अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने दे दो दादी माँ, वरना आप बड़ी दादी कैसे बनोगे। जिसे सुनकर रिवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने उसे जोर से कोनी मार दी। फिर कल्याणी जी के पास आकर उनके गले से लग अपना चेहरा छुपा लिया तो वंश और कल्याणी जी दोनों हंसने लगे। फिर तीनों वहां से अग्रवाल मेंशन के लिए निकल गए। कुछ वक्त बाद वो लोग अग्रवाल मेंशन पहुंचे तो वहां रिमा जी, सौरभ जी, दर्श और वंशिका बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वो उन्हें देख उनका स्वागत कर उनके साथ बातों में लग गए। तभी कुछ वक्त बाद वंशिका ने दर्श को देखा और इशारा किया तो उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, जिसे देख वो सबकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए मुझे आज आप सब लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है, पहले प्लीज मेरी पूरी बात सुनना आप लोग और फिर ही रिएक्ट करना। जिसे सुन सब लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगे तो वो एक गहरी सांस लेकर आगे बोलने को हुई, लेकिन तभी किसी की आवाज सुन सब लोग पीछे मुड़े और सामने खड़े लोगों को देख हैरान रह गए। कौन आया है इस वक्त, जिसे देख सब लोग हैरान रह गए। जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।